श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आफताब के पड़ोसियों ने खुलासा किया है कि उसके माता पिता को इस घटना की जानकारी थी। शायद यही वजह थी उन्होंने यहां से अपना घर शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि इस इमारत में पिछले 18 से 20 साल से यह परिवार रह रहा था। आफताब के पड़ोसी अब्दुल्ला खान ने बताया, 15 दिन पहले आफताब यहां आया था। उसने अपने माँ बाप को श्रद्धा से अलग होने की कहानी बताई थी। इसके बाद जब यहाँ पुलिस आई तो उसका परिवार यहाँ से शिफ्ट हो चुका था। उसके माता पिता को सब कुछ पता था। आपको बता दें कि दिल दहलाने वाले श्रद्धा मर्डर केस में मृतका के पिता ने लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने की मांग की है। साथ ही बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी इसकी आशंका जताते हुए निशाना साधा है। श्रद्धा के पिता का कहना है कि उन्हें लव जिहाद एंगल का शक है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आफताब के लिए मौत की सजा की मांग करते हैं। मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। श्रद्धा अपने चाचा के साथ ज्यादा करीब थी, मुझसे बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं आफताब के संपर्क में कभी नहीं था। श्रद्धा की हत्या के कुछ दिन बाद आफताब ने डेटिंग ऐप में एक दूसरी लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। 20 से 25 दिन बाद आफताब उस लड़की को छतरपुर के उसी घर पर लेकर आया जहां उसने श्रद्धा का मर्डर किया था और उसके शव के टुकड़े छुपा कर रखे थे। घर में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और आफताब उस दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाता था। आफताब ने मर्डर के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज के साथ अलमारी में भी छिपा दिए थे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।